हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों फ्रेंड्स, हमेशा की तरह। एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, जब तक नवरात्रे हैं तब तक तो आपको लाइटिंग ऐसी ही मिलेगी, क्योंकि मैं खाना वगैरह खा के रात को वीडियो शूट करती हूँ। दिन में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और वैसे भी दिन में कुछ खाती नहीं हूँ, चाय वगैरह ही पीती हूँ, इसलिए वीडियो शूट नहीं करती हूँ। फिलहाल मैं क्रंच करने वाली हूँ, ये देखिए कितना यम्मी क्रंच होने वाला है। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है मानसिक गुप्ता की, शायद शायद मानसिक गुप्ता की रिक्वेस्ट थी ये। आई होप मैं नेम से ही बोल रही हूँ, अगर कोई गलती की हो मैंने नेम बोलने में तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता देना। जिसकी भी रिक्वेस्ट थी ये, उन्होंने बोला था बाउल में बहुत सारे क्लेपोट लेके उनके ऊपर स्लेट पेंसिल का पेस्ट डालना है। देखिए, मैंने बहुत सारे क्लेपोट लिए हैं बाउल में, और उनके ऊपर स्लेट पेंसिल का पेस्ट डाला है थिक वाला। ये देखिए, मतलब देखने में इतना यम्मी लग रहा है ना, कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। अभी अभी मैंने इसको मिक्स किया है, देखिए बहुत ही यम्मी क्रंच होने वाला है फिलहाल। एंड आप सबने, जिसने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आप सबको मेरे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, डेली ब्लॉग्स। एंड आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ यार कमेंट्स करके बताया करें। बस मेरी लाइटिंग वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, बाकी क्रंच मैं आप सबके लिए बेस्ट कोशिश कर रही हूँ, क्रंच बेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइटिंग वाली प्रॉब्लम भी जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। चलिए क्रंच स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर आप सबको पता ही है सॉफ्ट क्रंच मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये मैं इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेती हूँ। और रात जो मैंने स्लेट पेंसिल वाली वीडियोज़ बनाई थी, उसमें मुझे किसी की रिक्वेस्ट नहीं, सॉरी कमेंट आई है कि आपने वीडियो एडिटिंग करके उल्लू बना रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे मतलब अगर मुझे कम स्लेट पेंसिल क्रंच करनी होती तो मैं 20 स्लेट पेंसिल चैलेंज भी रख सकती थी, 30 भी रख सकती थी, 40 भी रख सकती थी। जितना मुझे क्रंच करना होता है मैं उतना ही रखती हूँ। बाकी मुझे उल्लू बनाने का या फिर ऐसा कोई शौक नहीं है। आप सब मेरे फ्रेंड्स हो, मेरी फैमिली हैं, ये सब मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। बाकी अगर मैं इनके लिए बेस्ट लाने की कोशिश करूँगी तभी ये मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसे मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर मैं झूठ बोलूँगी या फिर झूठा दिखावा करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ आप सब निगेटिव कमेंट्स मत करिए। एंड मैंने वो कमेंट्स मुझे रिमूव करनी पड़ी, क्योंकि सही अच्छा नहीं होता, कोई कोई ऐसे ऐसे बोल देता है और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। चलिए कोई नहीं, क्रंच स्टार्ट करते हैं, टाइम हो गया है। बहुत ही यम्मी क्रंच है। जितना भी स्लेट पेंसिल, वैसे तो थिक पेस्ट था, लेकिन जितना भी पेस्ट था इन्होंने पूरा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे से। देखिए पेस्ट में जितना भी पानी था। क्रंच स्टार्ट करते हैं, यम्मी यम्मी क्रंची क्रंची। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा क्रंच।
सो डन। बहुत ही यम्मी, क्रंची, टेस्टी, बहुत ही अर्दीनेस, बहुत ही अर्दी टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्रंच में। स्लेट पेंसिल डालने के बाद उसके ऊपर बहुत ही अर्दी हो गई थी। एंड अभी फ़ैन वगैरह सब चला लिए इन्होंने बच्चों ने, इसलिए सो डन। एज ऑलवेज थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर योर लव, सपोर्ट, केयर, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जिसकी रिक्वेस्ट थी, आई होप उन्हें भी पसंद आए क्रंच।